আমি কিছু মাত্র আমি ভাইয়ের মালাই আমি আর ভাই নাই ও দত্ত বিমল বন্ধু দত্ত কাঠার কাঠার ওই পনি ছাই না ওটাকে আন্দোলনমা পনি দাবি বলা তো আয় না কি মাটি সিমারি আমু পনি বলছো মরম কামম হত্যাকাণ্ডমা 29 তারিখ মই 2000 চোলা যদি বেলা চার্জশিট আয় ফেলি কৃষ্ণ আসে তেতে আইন পূজা করবে কেউ তেতে বেলা পূজা জামুন মতে খবর আমি বেটিকে বেল কাটে কিন্তু চারটা পাঁচটা শুধু দেবুকে প্রধান কাঙ্ক কেটা আর ভাইয়ের সব করে দেয় ওরই করে রাখে আমি ঘরমা শুধু শুধু হয় ফাইনাল ওয়ান খোলা আমি ঘরমা দিকে ওদের পুরো রসন হয়েছে কেটা ওরই করে শুধু হয় তেস্ত কাপড়ে মানছে আর অভিযোগ মঞ্চ से होने से पॉलिटिकल डील करेंगे इसके बारे में देखिए मैं शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि मैं जीरो यूनिटी में काम करना चाहता हूँ लेकिन जब लेट सुभाष किशन का बर्थ एनिवर्सरी कर्शंग में हुआ था इंडोर मीटिंग तो उस टाइम में जब एक घटना हुआ था कि यहाँ का एक सीनियर सिटीजन
जो अग्रवाल साहब ने हम लोग को खदेड़ने के बाद किया था, तो मैंने उस टाइम एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग तो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जब जेएलएफ का अभी वर्तमान प्रेसिडेंट मनकी सिंह, अजय एडवर्ड स्पोक्स पर्सन नीरज जिम्बा और हमारा महेंद्र सिटी का जो उनका स्टेटमेंट प्रेस में आ गया कि ऐसा इश्यू को पॉलिटिकली डील करना होगा, तो आज मैंने कहा कि ठीक है ये इशू को हम लोग पॉलिटिकली डील करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल डील कैसे करेंगे वो हम लोग का ऊपर में है, क्योंकि अब उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया तो हम लोग भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। हम लोग अब जिन्हें को पॉलिटिकली डील करेंगे, बीजेपी दे आर नॉट सिंसियर विथ आवर पीपल। ये हमारा गोरखालैंड का मूवमेंट में सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर होता तो 11 कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस अभी मिलता और उसके आगे गोरखालैंड का। देखिए अभी बॉर्डरलैंड का 4 जुलाई में जो प्रॉपर्टी टॉक नॉर्थ ब्लॉक में हुआ था ऑफिशियली, तब बॉर्डरलैंड में अभी एक ठो भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ है कि वहाँ पर स्ट्राइक नहीं है, रोड जाम नहीं है, रेल रोको आंदोलन नहीं है, किसी को मारपीट नहीं है। तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुला दिया। लेकिन लास्ट ईयर जब हमारा इतना आर्मी मर गया, पहाड़ जल रहा था, तभी भी बीजेपी साइलेंट था। तो बीजेपी हम लोग का ऊपर में सिंसियर नहीं है। तो इसलिए मैं बीजेपी को बोलना चाहता हूँ कि 2019 का जो इलेक्शन है उसमें इस तरफ नज़र न उठाएं, और कोई भी गोरखा आपका ऊपर में एक इमोशनली वोट नहीं देंगे। अब दो बार दे चुका है, अब दो बार में हम लोग को एक एक्सपीरेशन भी फुलफिल नहीं हुआ। तो फिर अगर 2019 को हम लोग वोट में उनको साथ दें तो ये हमारा गलत डिसीजन होगा। इसलिए मैंने आगे से वी आर नॉट गोइंग टू फेवर द बीजेपी इन फोर्थ कमिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन। और ऐसा है कि अभी जो पब्लिक है कॉन्शियस है, वो इमोशनली बैकमेंट करके ऑडियो वीडियो क्लिप जो बिमल गुरुंग रोशनगिरी ने अभी दो तीन दिन के बाद में भेजते रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मैंने आज पब्लिक मीटिंग में भी यह कहा कि महात्मा गांधी ने भी इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए जब साउथ अफ्रीका गया था, उनको एक वहाँ पे घटना हुई थी, उसी घटना के हिसाब से वो फिर वापस आके इंडिया में इंडिपेंडेंस का एक आंदोलन किया था, मूवमेंट किया था। और महात्मा गांधी भी कई बार जेल किया, कई बार अनशन में बैठा और टॉर्चर हुआ था उस टाइम में, और फील्ड में आके काम किया और इसके बाद भी इंडिपेंडेंस हो गया। तो देखिए आज बिमल गुरुंग भी और रोशनगिरी भी और बाहर बैठ के अब ऐसा करने से उनको लीडर नहीं कहते हैं। वो उनका अगर दम है और वो गोरखा का लीडर मानते हैं अपने आप को, तो ये लोग यहाँ पे आके मूवमेंट करना होगा। बाहर बैठ के ऑडियो वीडियो में मूवमेंट नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो मैंने उनको आगाह किया कि डोंट सेंड दिस टाइप ऑफ वीडियोज एंड ऑडियोज अगेन एंड अगेन। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो लोग आए और मूवमेंट में आगे को ले जाएं। अब उनका दम ही नहीं है। जो आपने जो बोला है विमल गुरुंग का बोल केस, मोजिस्ट्रेशन केस है, इसके बारे में आप केस में जाएंगे, केस में केस करेंगे विमल गुरुंग का ऊपर? देखिए ऐसा है, देखिए नैतिक एक देखिए कैरेक्टर भी होते हैं एक, तो उनका जो पास हिस्ट्री देखें तो वो क्रिमिनल था एक, उसका साथ ही साथ उस टाइम से अभी तक उनका पावर था, इसलिए सब चुपचाप बैठा, अपना पट्टी बांध के बैठा। अभी वो पावर में नहीं है, तो कई सारे कंप्लेन हम लोग के पास में आ रहा है फैमिली की तरफ से कि हमारा बहन लोग का ऊपर में उनका नज़र ठीक नहीं था, उनका ऊपर में उनका दिमाग ठीक नहीं था। तो कई सारे हमारा बहन लोग उनका इसका विक्टिम्स हुआ था। तो कई विक्टिम्स में क्या हो गया कि अभी 3 विक्टिम्स जो है वो दे आर रेडी टू गो टू कोर्ट, कि कोर्ट में जाने के लिए वो तैयार है। तो हम लोग अभी एक कोर्ट के चक्कर में हम लोग जाएंगे, लेकिन इसके आगे हम लोग लीगल प्रोसीजर हम सब देख के करेंगे। देखिए ये ओनली द एग्जाम्पल्स, अभी जो बहन अपना इज्जत को रखते हुए भी आगे आ गया है फील्ड में आके वो लोग दे आर रेडी टू
फाइल अ कंप्लेन इन द कोर्ट। तो देखिए ये तो एक एग्जांपल है, अब वो क्या करेगा वो उसका। अब तो जिस टाइम में पावर में था, किसी का बेटी का किसी का बहन का ऊपर में उसका नज़र ठीक नहीं था, तो आज जाके क्या करेगा वो। हा? ये तो हमने भी नहीं कहा, मेरे पास आ गया कंप्लेन फैमिली का, तो दे आर रेडी, तो अब क्या करेगा वो फिर। भेजने के बजाय सरेंडर कर देना चाहिए। वो तो मैंने कहा ना, उनका दम है और गोरखा लीडर अपने आप को मानते हैं, तो वो आगे आके यहाँ पे गोरखा का लीड करना चाहिए। ये नहीं कि ऑडियो भेज के वीडियो भेज के, ऐसा नहीं चलेगगा। ये तो पहले का ही सिस्टम हो गया। 86 में क्या होते हैं होते थे वो आंदोलन में, कि ऐसा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था उस टाइम में। तब सुभाष सिंह का जो स्पीच होता था वो छोटा सा कैसेट मिलता था, वो कैसेट हम लोग गाँव घर में जाके वो सुनता था, और एक पर्चा में एक पेपर में पर्चा में दिया जाता था। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, अब ये आ गया। देखिए ये सब देखिए पब्लिक को इमोशन करने वाला बात। अभी तो वेरी वेरी कॉन्शियस पब्लिक, दे आर वेरी कॉन्शियस, अभी ये मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें भी सीबीआई जांच आप लोग ना ना। देखिए आपको तो ये पता है ना, जब सीके प्रधान का मर्डर हुआ था उसके बाद में ये केस सीबीआई ने लिया था, लेकिन आज तक ये केस पेंडिंग है। जबकि मदन तामंग का जो मर्डर केस था उसका सीबीआई का जो केस है अभी कोर्ट में है, अभी चल रहा है वहाँ पे, लेकिन ये सीके प्रधान जी का नहीं हुआ है। तो देखिए उनका भी फैमिली है, उनका भी बाल बच्चा है, उनका भी सब कुछ अभी भी है, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो हम लोग वेरी सुन विल राइट अ लेटर टू सीबीआई, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने सीबीआई से बात किया है, लेकिन हम ऑफिशियली पार्टी की तरफ से भी हम लोग करेंगे, क्योंकि जो फैमिली विक्टिम्स फैमिली है सीके प्रधान जी का, वो हमारा अभी हम लोग का साथ में है, उनका भी न्याय मिलना चाहिए, और सीबीआई भी आगे जाके ये जो पेंडिंग केस है सीके प्रधान को वो लेके आना चाहिए। आज आपने भाषण में पूरा एकदम खोल के बोल दिया कि रोशनगिरी और विमल गुरु को खुला चुनौती दिया। हाँ तो देखिए, जब बार बार ऑडियो में क्लिप में हम लोग को खेदने का, खदरने का, कुछ करने का वो धमकी देते रहते हैं, तो देखिए उनको भी मैंने आज चैलेंज दिया, अगर दम है तो वो आए हैं यहाँ पे। और देखिए अभी वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट में है कोई कई जगह, देखिए 150,000 पर मंथ का फ्लैट में काठमांडू में था, रिसेंटली वो फ्लैट से फिर दूसरा तरफ शिफ्ट हो गया। कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी देहरादून जाते हैं, कभी नोएडा में जाते हैं, कभी गुड़गांव में जाते हैं, कभी कभी दिल्ली का आसपास में बैठते हैं। तो ये तो हमारा मूवमेंट पता है, तो इसलिए अगर सब वो अभी लग्जरियस लाइफ में है, क्योंकि उन लोगों के पास में बहुत पैसा है, लग्जरियस लाइफ है। अब पब्लिक को इमोशन में करने के लिए हम लोग जंगल में है, फॉरेस्ट में है, हम लोग का दुख हो रहा है हमको, ये सब गलत है। अगर फॉरेस्ट में होता तो 17 जून में जब उन्होंने दीप जलाया था, उस टाइम का उनका पहरन देखिए, उनका टी शर्ट देखिए, उनका वो है, जंगल में ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, वो अभी अप टू डेट है, और जो घर से बाहर जाते हैं ना दूसरा होते हैं, ये सब है। अपने तो बातें भी देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ है तो सारा का सारा ओवरऑल पीस एंड स्टेबिलिटी को भी हम लोग देखना जरूरी है पहाड़ का, उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट भी देना है, और पॉलिटिकली भी हम लोग का मूवमेंट, हमारा अपोनेंट का मूवमेंट भी हम लोग जज करते हैं, तो हमारा भी एक नेटवर्क बनते हैं कि नेटवर्क के जरिए हम लोग को पता चलते हैं। तो रिसेंटली विमल गुरुंग हैज गिवन द सम अमाउंट टू द बिहार पीपल्स एंड क्रिमिनल पीपल्स, एंड उनका कहना था कि जाके अनित थापा को मारने के लिए सुपारी दिया था, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये खबर हमको मिल गया है था, हमारा मिल गया था, इसलिए हम लोग ने प्रिकॉशन ले लिया। देखिए ऐसा हिम्मत ना करें, हाँ, जो दार्जिलिंग में आके हम लोग को मारने के लिए आएगा ना, वो भी उसी तरह चला जाएगा। ये देखिए विमल गुरुंग ऐसा डिजाइन करने में माहिर है, हमको पता है, पहले भी कितने आदमी को मार चुका है ये पता है, ये आस्ते आस्ते इसका केस खुलेगा।